बंशीधर भगत उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने 2022 के चुनाव के लिए भगत को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में बीजेपी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर खरा उतरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम दिग्गजों के बीच बंशीधर भगत एक नई जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ाते हुए बंशीधर भगत को उत्तराखंड बीजेपी की कमान मिली है और इस लिहाज से क्षेत्रीय और जाति समीकरण साधने के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है। जिस तरह से बंशीधर भगत का नाम पहले से ही चर्चाओं में था, रेस में लगातार आगे चल रहे थे और जब उनका नाम सामने आया तो कोई अचरज भी नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था, पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि बंशीधर भगत ही नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। और आधिकारिक रूप से जब ऐलान किया गया तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से ऐलान होने के बाद बंशीधर भगत बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर उत्तराखंड के विधानसभा तक कई दौर उन्होंने देखा है और अब एक नई जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए बंशीधर भगत एक नई जिम्मेदारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कुलदीप नेगी जुड़ गए हैं। उनके साथ हमारे साथ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप, बात कीजिए उनसे उनसे और जाने की कोशिश कीजिए 2022 कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी ने एक भरोसा उन पर जताया है। 2022 का मिशन है, अब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो 2022 के मिशन की जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंपी है उस पर खरा उतरते हैं। लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि पहले किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आगे रहेंगी और क्या उनकी रणनीति रहेगी। नए जिम्मेदारी सर आपको सौंपी है पार्टी ने, शुभकामनाएं, क्या आपकी रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय और प्रांतीय नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन ऐसे करूं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी फूले फले। सर्वप्रथम मेरा मानना यह है कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से सीधा संवाद करूँ और संवाद करके कहीं कोई दिक्कत किसी को महसूस होती है तो उस दिक्कत को दूर करूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में कि 2022 में एक अच्छे सैनिक के रूप में वो उतरें इसके लिए उनको तैयार करूं। 2022 मेरे लिए एक चुनौती है, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है और पहले जैसा प्रदर्शन उससे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा ऐसा मैं कह सकता हूं। क्या रणनीति आपकी रहेगी क्योंकि पिछली बार जो जनादेश मिला है बहुत बड़ा जनादेश आपको मिला है, उसको बरकरार रखना, उससे आगे लेकर पार्टी को जाना, उसके लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, रणनीति में पहली बात यह है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी भाती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका बड़ा एक स्नेह है, प्यार है। अब उस स्नेह प्यार को बूथ तक लाकर वोट डलवाना यह कार्यकर्ता का काम है। कार्यकर्ता सुस्त न पड़े इसके लिए मैं कार्यकर्ता को ऊर्जा दूंगा और कार्यकर्ता को मनोबल न गिरे ये प्रयास करूंगा। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो अभी कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमको देखा नहीं जा रहा, अब नए और पुरानों का मिश्रण दिखाई देगा, सबको साथ लेकर मैं चलूंगा। विपक्ष की चुनौती कितनी बड़ी नजर आती है, विपक्ष को किस तरीके से आंकते हैं आप? देखिए, मैं चुनौती इत्यादि शब्द तो क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं कभी भी विपक्ष या दुश्मन को कमजोर नहीं समझता। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपना काम करूंगा, विपक्ष अपना जो कर रहा है वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो कमजोर है ताकतवर है मुझे मतलब नहीं। मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ऊर्जा देनी है और उसको चुनाव के लिए तैयार करना, बस मेरा काम ये है। अभी सरकार में 3 मंत्री पद भी खाली हैं, ये चर्चाएं हैं कि जल्द वो मंत्री पद भी भरे जा सकते हैं, उसको लेकर पार्टी संगठन की क्या रणनीति रहेगी, क्या सोचना है आपका? देखिए, सब मिलकर काम करेंगे, अपना प्रदेश नेतृत्व बैठेगा और केंद्रीय नेतृत्व से भी राय मशवरा करेंगे, जो उचित होगा, जिसको उचित समझा जाएगा उसको बनाया जाएगा और मैं समझता हूँ जिसको बनाया जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी है, सबको स्वीकार होगा, शहर स्वीकार करेंगे। क्या उम्मीद है कब तक नए मंत्री जो है वो बन जाएंगे? अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, थोड़े दिन तो सांस लेने।
संगठन की अगर बात करें आपकी, क्योंकि संगठन किस तरह का देखने को मिलेगा अभी? संगठन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा और कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे चलेंगे और जो रणनीति है, एक सटीक रणनीति इसके लिए बनाई जाएगी कि इस तरीके से 2022 का जो मिशन है उसे पार्टी फतह करेगी और पहले जो प्रचंड बहुमत मिला है उसे किस तरीके से बरकरार रखना है इसके लिए भी पूरी रणनीति वो बनाएंगे। बिल्कुल कुलदीप, अगर आपके साथ वो मौजूद हैं तो उसे जानने की कोशिश करिए कि चुनौती तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जो है पूरी तरह से अपने संगठन को और मजबूत करने के लिहाज से बड़े कदम उठाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है और वो सवाल है कि बदलाव की बात जब आती है, जब भी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो अपने हिसाब से रणनीति बनाता है और बदलाव भी करता है, आने वाले दिनों में वो कोई क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं? कुलदीप, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं 2022 की है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2022 मेरे लिए बड़ी चुनौती है और इन चुनौती के बीच जब बात आती है फैसला लेने की, जब भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो अपने लिहाज से वो चाहता है कि संगठन मजबूती भी आए और फैसले भी लिया जाए, क्या कोई बड़ा फैसला वो जल्दी ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आज ही वो निर्वाचित हुए हैं, उनकी कोशिश होगी पार्टी संगठन को और मजबूत करने की, पार्टी संगठन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की, ताकि 2022 के जिस लक्ष्य को लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी पर वो खरा उतर पाए। सबसे पहले अभी उनकी कोशिश होगी कि किस तरीके से वो अपने जो कार्यकारिणी अपनी टीम को तय करते हैं, क्या उनकी टीम रहती है और किस तरीके से उनकी टीम में जो नेता है उनको एडजस्ट किया जाता है, ताकि जो भी स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं 2022 को लेकर उस स्ट्रेटेजी को अमली जामा पहना जा सके। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या निर्णय सबसे पहला उनका रहेगा संगठन की मजबूती के लिए। अध्यक्ष जी, संगठन की मजबूती के लिए सबसे बड़ा क्या निर्णय पहले आप लेना चाहेंगे? देखिए, मैंने कई बार ये दोहरा दिया, संगठन की मजबूती तभी होगी जब कार्यकर्ता प्रसन्नचित्त होगा, कार्यकर्ता उत्साहित होगा। तो कार्यकर्ता को उत्साहित करना, उसको ऊर्जा देना मेरा पहला काम है। कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो मैंने कहा ना, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। तो मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ऊर्जा देना, उसको उत्साहित करना, उसको अपने मिशन पर लगाना। तो बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी का पूरा फोकस जो रहता है वो बूथ पर रहता है, तो इसीलिए बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि पूरा फोकस उनका रहेगा कि कार्यकर्ता को किस तरीके से वो और ज्यादा उससे मुलाकात कार्यकर्ता से करते हैं और कैसे कार्यकर्ता को और उत्साहित होकर काम में जुटाने में सफल रह पाते हैं, तो ये उनकी प्राथमिकता होगी। क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी में ये बहुत जरूरी होगा कि अगर कार्यकर्ता बूस्टअप है तो उससे पार्टी का जो लक्ष्य है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल कुलदीप, और अनुभव की बात करें तो अच्छा खासा एक राजनीतिक अनुभव रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा में रहा हो और उत्तराखंड विधानसभा में रहा हो, और अब एक नई जिम्मेदारी मिली है, इस नए जिम्मेदारी के साथ देखना होगा आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेते हैं। कुलदीप